प्रकाशित वाक्य बीस ग्यारह से बारह में स्पष्ट रूप से कहा गया है फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया बाइबल के उपरोक्त वचनों के अनुसार अंत के दिनों का न्याय का कार्य स्वर्ग से किया जाएगा परमेश्वर मानव जाति के साथ न्याय करने के लिए एक विशाल सफेद सिंहासन पर बैठेंगे उन्हें पृथ्वी पर न्याय का कार्य करने के लिए होने की आवश्यकता नहीं है आमीन। आप जो कह रही हैं, वह बाइबल के बिल्कुल विपरीत है हाँ आप सही कह रहे हैं। परमेश्वर स्वर्ग से ऐसी लोगों के साथ न्याय करेंगे उन्हें देह धारण करने की जरूरत नहीं आमीन। सच बात है बाइबल के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? सच बात है पादरी चैन का कहना बिल्कुल सही है वे लोग बाइबल के भविष्यवाणियों के विरुद्ध जा रहे हैं पादरी चैन सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं वो, वो तर्क संगत है। तो है आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है ठीक है देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है जब प्रभु आएंगे तब वे अपना न्याय का कार्य कैसे करेंगे इस बारे में हमारी सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं हैं हम मानते हैं कि जब कभी प्रभु लौटेंगे वे आसमान में एक बड़ा सा टेबल बनाएंगे उसके बाद वे एक विशाल सफेद सिंहासन पर प्रचंड क्रोध के साथ एक राजा के रूप में विराजमान होंगे फिर वे अपना बही खाता खोलेंगे जिसमें लिखा होगा कि मनुष्य ने क्या क्या किया लोगों को सिंहासन के सामने बुलाया जाएगा ताकि वे एक एक करके किए गए पाप कबूल करें और फिर व्यक्ति ने जीवन में कितने अच्छे और बुरे काम किए हैं उसके आधार पर वे निर्णय लेंगे कि वो व्यक्ति धार्मिक है या पापी भले ही ये कोरी कल्पना तर्क संगत लगती है मगर वो सच नहीं है बाइबल का यह अंश उस परिकल्पना का आलेख है जो कि योहन्ना ने पैटमस द्वीप पर की थी परिकल्पना और वास्तविकता के बीच स्वर्ग और पृथ्वी जितना ही अंतर होता है इसलिए हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय का कार्य स्वर्ग से संचालित होगा हकीकत तो यह है कि प्रभु यीशु ने काफी समय पहले कहा था कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना न्याय का कार्य कैसे और कहां से करेंगे मगर हमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया आइए बाइबल के कुछ और पद पढ़ें सब लोग कृपया योन्ना पाँच सत्ताईस पर जाएँ वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है योहन्ना पांच बाईस भी है पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है इन पदों में स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की गई है कि देहधारी मसीह व्यक्तिगत रूप से मानव जाति के बीच आएंगे और अपना न्याय का कार्य करेंगे विशेष रूप से पुत्र और मनुष्य का पुत्र जैसे शब्दों का संदर्भ निश्चित रूप से देहधारी से है और आत्मा स्वरूप से उसका कोई आशय नहीं है क्योंकि आत्मा स्वरूप को पुत्र या मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता सिर्फ देहधारी परमेश्वर के बारे में ऐसा कहा जा सकता है मनुष्य के पुत्र के रूप में परमेश्वर का धारण जो मसीह है इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए हम देख सकते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य देहधारी मसीह द्वारा पूरा किया जाएगा न कि आत्मा द्वारा अगर वह कार्य किसी आत्मा द्वारा किया गया होता तो मानव जाति के न्याय शुद्धिकरण और बचाव के नतीजे हासिल नहीं किए जा सकते थे ये बाइबल की गलत व्याख्या है बाइबल के इन दो पदों का संदर्भ प्रभु यीशु से है पुत्र, पुत्र, मनुष्य का हम्म, बाइबल में लिखा गया है पुत्र और मनुष्य का पुत्र पिता ने पुत्र को न्याय का कार्य सौंप दिया है ऐसा लगता है कि वाकई इसका मतलब देहधारण से है इस प्रश्न के लिए चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना बारह सैतालीस अड़तालीस यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा यहाँ प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से लोगों से कह रहे हैं कि उनके आने के साथ वे न्याय का कार्य नहीं करेंगे न्याय का कार्य तो अंत के दिनों का कार्य है इसका मतलब जब प्रभु यीशु लौटेंगे तो वे अपना न्याय का कार्य वचनों के माध्यम से करेंगे और पिता अपना ये कार्य पुत्र को सौंपेगा पुत्र का जिक्र साफ तौर पर देहधारी होकर किए गए कार्यों से है आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ और अंश पढ़ें पहले कहे गए वचनों में न्याय परमेश्वर के घर से आरंभ होगा उस न्याय को संदर्भित करता है जो परमेश्वर आज उन लोगों पर पारित करता है जो अंध के दिनों में उसके सिंहासन के सामने आते हैं शायद ऐसे लोग हैं जो ऐसी अलौकिक कल्पनाओं पर विश्वास करते हैं जैसे कि जब अंतिम दिन आ चुके होंगे तो परमेश्वर स्वर्ग में ऐसी बड़ी मेज स्थापित करेगा जिस पर सफेद मेज पोष बिछा होगा और फिर परमेश्वर एक बड़े सिंहासन पर बैठेगा और सभी मनुष्य जमीन पर घुटने टेकेंगे वह प्रत्येक मनुष्य के पापों को प्रकट करेगा और फल स्वरूप निर्धारित करेगा कि उन्हें स्वर्ग में आरोहण करना है या आग और गंधक की झील में डाला जाना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य किस प्रकार की कल्पना करता है परमेश्वर के कार्य का सार नहीं बदला जा सकता है मनुष्य की कल्पनाएं मनुष्य के विचारों की रचना से अधिक कुछ नहीं है और मनुष्य की देखी और सुनी हुई बातें जुड़कर और एकत्रित होकर उसके दिमाग से निकलती हैं इसीलिए मैं कहता हूं कि छवियों की कितनी ही उत्कृष्ट कल्पना की जाए वे तब भी एक आरेख से अधिक कुछ नहीं है और परमेश्वर के कार्य की योजना की विकल्प नहीं है आखिरकार मनुष्य शैतान के द्वारा भ्रष्ट किए जा चुके हैं तो वह कैसे परमेश्वर के विचारों की था पा सकते हैं देहधारी परमेश्वर का कार्य एवं वचन जिसकी गवाही मनुष्य के द्वारा दी जाती है वे अंतिम दिनों के दौरान बड़े श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के कार्य हैं, जिसे पिछले समयों के दौरान मनुष्य के द्वारा सोचा विचारा गया था ऐसा कार्य जिसे वर्तमान में देहधारी परमेश्वर के द्वारा किया जा रहा है वह बिल्कुल तो उस बड़े श्वेत सिंहासन के सामने न्याय है आज का देहधारी परमेश्वर वह परमेश्वर है जो अंतिम दिनों के दौरान समूची मानव जाति का न्याय करता है हाँ यही तो हमने भी सोचा है अंत के दिनों में परमेश्वर सभी लोगों के साथ न्याय करने के लिए स्वर्ग में एक बड़ा सा टेबल लगाएंगे हाँ। इतने सालों से हम सिर्फ हमारी मान्यताओं और कल्पनाओं पर विश्वास करके प्रभु के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे हैं जब परमेश्वर आध्यात्मिक शरीर में स्वर्ग से हमारे सामने आएंगे और आकाश में विशाल सिंहासन पर विराजमान होकर लोगों का न्याय करेंगे लेकिन जब परमेश्वर खुद इस न्याय का कार्य करने के लिए वापस आए हैं तो हम समझ गए हैं कि विशाल सफेद सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर जो न्याय करते हैं वो असल में उन्हीं वचनों के माध्यम से किया गया न्याय है जो देहधारी परमेश्वर ने अभिव्यक्त किया है देहधारी परमेश्वर वही परमेश्वर हैं जो अंत के दिनों में पूरी मानव जाति का न्याय करते हैं हे hey प्रभु आज उनकी संगति सुनने के बाद मैं स्तब्ध रह गया जो कुछ उन्होंने कहा वो सब पूर्ण रूप से तर्क संगत था और जो भी उन्होंने पढ़ा वो सब प्रामाणिक था उनके प्रश्नों के उत्तर बड़े सटीक थे और मुझे अपने भीतर उजाला महसूस हो रहा है वे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा चमकती पूर्वी बिजली के विरोधी बता रहे हैं हे प्रभु ये सब क्या हो रहा है क्या हम वाकई में गलत हो सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता मैंने सुना है कि चमकती पूर्वी बिजली के लोग बड़े मृदुभाषी होते हैं मैं उनके बाहरी दिखावे से उनकी तरफ ढल नहीं सकता फिर भी उन्होंने संगति में जो कुछ बताया वो स्पष्ट है और एक रास्ते को प्रकाशित करता है उसमें विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है प्रभु मेरे कृपालु उद्धारक आप ही मेरे मार्ग की रोशनी हो मेरे जीवन का उजियारा हो मेरी आपसे विनती है कि आप आगे बढ़ने में, में मेरा मार्गदर्शन करें अगर आपने वाकई में अपना कार्य करने के लिए फिर से देह धारण किया है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ही वापसी है तो प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी संतान को प्रबुद्ध करके मार्गदर्शन करें ताकि मैं समझ सकूं मैं इसे स्वीकार करूंगा और इसका पालन करूंगा अगर ये सच नहीं है तो कृपया इस धोखे से मेरी रक्षा करें मेरी रक्षा करें प्रभु ब्रदरचिन आज बहुत ठंड है चाय पिए तो कुछ जोश आ जाए शुक्रिया मेरे विचार से आज के लिए इतना काफी है अब चर्चा करने के लिए बाकी कुछ बचा नहीं ब्रदर काओ प्रभु ने आज हमें ये मौका दिया है जो दोबारा नहीं मिलेगा अगर किसी को कुछ पूछना है तो बेहिचक पूछ सकते हैं प्रभु का आना एक महत्वपूर्ण घटना है इसलिए हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए अगर हम इसे समझ नहीं पाए तो प्रभु का विरोध करना बहुत आसान हो जाएगा जी हाँ बिल्कुल सही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ और अंश पढ़ते हैं क्योंकि वो मनुष्य है जिसका न्याय किया जाता है मनुष्य जो हाड़ मांस का है और उसे भ्रष्ट किया जा चुका है और ये शैतान का आत्मा नहीं है जिसका सीधे तौर पर न्याय किया जाता है न्याय के कार्य को आत्मिक संसार में संपन्न नहीं किया जाता है परंतु मनुष्यों के बीच किया जाता है कोई भी मनुष्य की देह की भ्रष्टता का न्याय करने के लिए देह में प्रगट परमेश्वर की अपेक्षा अधिक उपयुक्त एवं योग्य नहीं है यदि न्याय सीधे तौर पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा किया गया होता, होता। तो सभी के द्वारा स्वेच्छा से नहीं होता। इसके अतिरिक्त ऐसे कार्य को स्वीकार करना मनुष्य के लिए कठिन होगा क्योंकि आत्मा मनुष्य के साथ आमने सामने आने में असमर्थ है और इस कारण से प्रभाव तत्काल नहीं होंगे और मनुष्य परमेश्वर के अनुलंघनीय स्वभाव को साफ साफ देखने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा यदि आत्मा ने इस कार्य को सीधे तौर पर किया होता तो वो मनुष्य की सारी अनाज्ञाकारिता का न्याय करने में सक्षम नहीं होता और मनुष्य की सारी अधार्मिकता को प्रकट नहीं कर सकता था क्योंकि परमेश्वर के विषय में मनुष्य की धारणाओं के माध्यम से न्याय के कार्य को भी संपन्न किया जाता है और मनुष्य के पास कभी भी आत्मा के विषय में कोई धारणाएं नहीं है और इस प्रकार आत्मा मनुष्य की अधार्मिकता को बेहतर तरीके से प्रकट करने में असमर्थ है और ऐसी अधार्मिकता को पूरी तरह से उजागर करने में तो बिल्कुल भी समर्थ नहीं है देहधारी परमेश्वर उन सब लोगों का शत्रु है जो उसे नहीं जानते हैं उसके प्रति मनुष्य की धारणाओं एवं विरोध का न्याय करने के माध्यम से वो मानव जाति की सारी अनाज्ञाकारिता का खुलासा करता है देह में उसके कार्य के प्रभाव आत्मा के कार्य की अपेक्षा अधिक प्रकट है और इस प्रकार समस्त मानव जाति के न्याय को आत्मा के द्वारा सीधे तौर पर संपन्न नहीं किया जाता बल्कि ये देहधारी परमेश्वर का कार्य है यदि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य से सीधे तौर पर बात करता तो वे सब उस वचन के प्रति समर्पित हो जाते प्रकाशन के वचनों के बिना नीचे गिर जाते बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉलुस ज्योति के मध्य भूमि पर गिर गया था जब उसने दमिश्क की यात्रा की थी यदि परमेश्वर लगातार इसी तरीके से काम करता तो मनुष्य वचन के द्वारा न्याय के माध्यम से अपने स्वयं के भ्रष्ट स्वभाव को जानने और उद्धार प्राप्त करने में कभी समर्थ नहीं होता केवल देह बनने के माध्यम से ही वो व्यक्तिगत रूप से अपने वचनों को सभी के कानों तक पहुंचा सकता है ताकि वे सभी जिनके पास कान है उसके वचनों को सुन सकें और वचन के द्वारा न्याय के उसके कार्य को प्राप्त कर सकें उसके वचन के द्वारा प्राप्त किया गया परिणाम सिर्फ ऐसा ही है आत्मा के आविर्भाव के बजाय जो मनुष्य को भयभीत करके समर्पण करवाता है केवल ऐसे ही व्यावहारिक और असाधारण कार्य के माध्यम से ही मनुष्य के पुराने स्वभाव को जो अनेक वर्षों से भीतर गहराई में छिपा हुआ है पूरी तरह से प्रकट किया जा सकता है ताकि मनुष्य उसे पहचान सके और उसे बदलवा सके ये देहधारी परमेश्वर का व्यवहारिक कार्य है वो वचन के द्वारा मनुष्य पर न्याय के परिणामों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक तरीके से बोलता है और न्याय को निष्पादित करता है ये देहधारी परमेश्वर का अधिकार है और परमेश्वर के देह धारण का महत्व है हमने ऐसा पहले कभी नहीं सुना ये सच है ये ऐसी बात है जो एक मनुष्य कभी नहीं कह सकता जी हाँ हमने इतने सालों से प्रभु में विश्वास किया है हमने ऐसा कभी नहीं, नहीं सुना स्पष्ट रूप से समझाया गया है हाँ।, हाँ ये वचन तर्क संगत और व्यवहारिक है वाकई हाँ। ये सुनकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है आप बेतुकी बातें कर रही हैं। चाहिए जो कुछ भी कहें, हम इनकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते हाँ हमें प्रभु के बताए रास्ते पर चलना चाहिए उन्होंने जो भी पढ़ा वैसा वाकई कोई मनुष्य नहीं बोल सकता क्या वाकई ये संभव है कि यह परमेश्वर का कार्य हो लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से हम देख सकते हैं कि अंत के दिनों में न्याय का कार्य मुख्य रूप से मानव जाति का शुद्धिकरण करने और उसे बचाने के लिए है ताकि लोगों को ऐसी स्थिति में न रहना पड़े जहां वे पहले पाप करें और बाद में उन्हें कबूल करें इस तरह वे पूरी तरह से पाप मुक्त और पवित्र हो सकते हैं इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए परमेश्वर को देह धारण करना होगा और अपने वचनों को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से अभिव्यक्त करना होगा मानव जाति के पापों का न्याय करना होगा उसके भ्रष्ट स्वभावों को सामने लाना होगा और अनैतिकता का पर्दाफाश करना होगा इसी तरह लोग अपने भ्रष्ट स्वभाव को पहचान कर समझ सकते हैं कि परमेश्वर उनसे क्या अपेक्षा करते हैं धीरे धीरे पाप के चंगुल को तोड़कर परमेश्वर के वचनों की सच्चाई को जी सकते हैं अगर परमेश्वर की आत्मा ने सीधे तौर पर बात की होती तो सभी को उसके सामने घुटने टेकने ही पड़ते कोई भी उनका विरोध या उनके खिलाफ बगावत नहीं कर पाता क्योंकि लोगों को परमेश्वर के आत्मा के बारे में कोई कल्पना नहीं है हालांकि जब परमेश्वर देह धारण करते हैं और अपना न्याय का कार्य करते हैं लोगों के विचार उनकी कल्पनाएं उनका प्रतिरोध और परमेश्वर के प्रति उनका अनादर और बगावती स्वभाव सबका पर्दाफाश हो जाता है इससे सारी सच्चाई परमेश्वर के सामने उजागर हो जाती है और इसके जरिए परमेश्वर का प्रतिरोध करने के लोगों के शैतानी स्वभाव का पर्दाफाश होता है साथ ही वे मानव जाति के विद्रोह और प्रतिरोध का न्याय करते हैं और उनको दंडित करते हैं परमेश्वर के वचनों के खिलाफ की गई तुलना और तमाम हकीकत का पर्दाफाश होने से इंसान परमेश्वर के कदमों पर गिर जाएगा फिर उसे परमेश्वर के न्याय और शुद्धिकरण को स्वीकार करना ही पड़ेगा चलिए एक और मुद्दे पर चर्चा करें